हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे हॉस्पिटल बैग में क्या है। इन द कमिंग मंथ्स आई विल बी गोइंग टू द हॉस्पिटल फॉर द डिलीवरी ऑफ द बेबी इंशाल्लाह। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैं अपने हॉस्पिटल बैग में क्या लेकर जा रही हूँ। तो ये जो बैग है मैंने daraz.pk से ऑर्डर किया था। ये थोड़ा सा मतलब अच्छी क्वालिटी का बैग है और इसमें स्पेस भी ज़्यादा है, तो चीज़ें काफ़ी इसमें आ जाती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा स्पेसिफिकली बैग है तो टू कमेंट डाउन बिलो, तो मैं आपको एग्जैक्ट लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी। तो इसके एक बड़ी ज़िप है और एक फ्रंट पर छोटी सी ज़िप है, और ये ओवरऑल जो लुक है उन चीज़ों की जो मैंने अभी इसी बैग में डालनी है, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्पेस है इस बैग में, इसलिए मैं इतनी चीज़ें रखने के काबिल हुई हूँ उस बैग के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो एक पैकेट है जो मैंने बनाया है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी डॉक्टर्स पूछते हैं कि पेशेंट के कपड़े दे दें, तो मैंने एक पैकेट बना दिया है ताकि मेरे अलावा जिसके पास भी बैग हो फैमिली में से उसको कोई मसला ना हो मेरे कपड़े ढूंढने के लिए। तो ऊपर सबसे पहले ऊपर जो है ये पैकेट आएगा, फिर साथ मैंने एक और स्पेयर ड्रेस रखा है इन केस अगर हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है तो। और यहाँ पर जो है वो मैंने एक्स्ट्रा क्लोथिंग रखी हुई है जस्ट इन केस के एक से ज़्यादा दिन आपको हॉस्पिटल में रहना पड़े। फिर ये एक बड़ा सा शॉपर रखा हुआ है मैंने गंदे कपड़ों के लिए, जो कपड़े पहन लूँगी और जो जिनको वॉश करना होगा तो वो मैं इसमें रख लूँगी। फिर यहाँ पे मैंने छोटा शॉपर रखा हुआ है, ये फ्रंट पॉकेट पे आएगा इन केस के मुझे लगेगा कि मैं नौजिया हो रहा है, आई वॉन्ट टू थ्रो अप, सो आई हैव समथिंग इन हैंड। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रेगो जर्नल। थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मैंने ये प्रेगो जर्नल मेंटेन किया कि मुझे क्या फ़ील होता है, कैसा रहा मेरी प्रेगनेंसी। तो ये मैं अपने हॉस्पिटल बैग में ज़रूर रखूँगी फ्रंट पॉकेट पे ही, ताकि मैं फ़ौरन चीज़ें लिख सकूँ। देन हैंड सैनिटाइज़र वेरी मस्ट आजकल के दिनों में जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो द कोरोना वायरस, तो ये भी फ्रंट पॉकेट पे ही आएगा। देन आई हैव सम एक्स्ट्रा टिश्यूज़ इन केस ऑफ इमरजेंसी। इसके साथ ही ऑरेंज कलर की फ़ाइल जो है ये मेरी डॉक्टर फाइल है, मुझे वो टिपिकल फाइल्स पसंद नहीं है जिनके ऊपर बच्चों की पिक्चर्स बनी होती हैं, तो मैंने अपनी फाइल बनाई हुई है। यहाँ पे सारी मेरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स और हर डॉक्टर विजिट का प्रिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर एक वाटर बॉटल है जिसके अंदर मैं पानी भर के हॉस्पिटल बैग में रख सकती हूँ। बहुत ही कॉम्पैक्ट है, छोटी सी है, नो डाउट चीज़ें हॉस्पिटल से मिल जाती हैं, बट इट्स गुड टू हैव योर ओन। फिर यहाँ पर जो है वो मैंने हर्बल एसेंसेस का ड्राई शैम्पू रखा हुआ है इन केस कि अगर आपके यू नो यू वांट टू फ्रेशन अप योर हेयर तो आप इजीली इसको स्प्रे कर सकते हो। साथ ही मैंने छोटे टॉवल्स रखे हुए हैं, इनको गर्म पानी से आप जो है वो सोक करके मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो, फॉर क्लीनिंग, फॉर फ्रेशनिंग अप। सो ये मैंने एक्स्ट्रा टॉवल्स यहाँ पर रखे हुए हैं। उसके साथ साथ जो है वो मैंने यहाँ पर मिंट्स रखी हुई हैं, स्नैक्स वगैरह भी होंगे, मिंट्स बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर साथ ही मैंने नौजिया के साथ डील करने के लिए मेडिसिन रखी हुई है, और मास्क और ग्लव्स वेरी इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल में, तो ख़ास तौर पर आपके पास ये होने चाहिए इन हैंडी। और नीचे आपको तो पता है, अगर आपने मेरी पहली वीडियोज़ देखी कि इस बॉक्स में क्या होता है, डू कॉमेंट डाउन बिलो इफ़ यू नो वट इज़ इन साइड दिस बॉक्स। फिर यहाँ पे हाजमोला है, और यहाँ पर जो है वो स्नैक्स रखे हुए हैं जस्ट इन केस के मुझे लगे कि मेरी शुगर डाउन हो रही है, तो आई हैव समथिंग इन हैंड। कमिंग हेयर, ये जो है वो मेरे पास छोटा सा परफ्यूम है, ये मैंने मिनीसो से लिया है। ये सेल्फ के प्रोडक्ट्स हैं फ्रेशनिंग अप के लिए एंड यू नो टू मेक यू फील एट होम। साथ ही मैंने टूथपेस्ट और टूथब्रश के मिनी वर्जन रखे हुए हैं, और साथ डेंटल फ्लॉस भी रखा हुआ है। तो यू नेवर नो आपको कितना लंबा स्टे करना पड़ जाए हॉस्पिटल के अंदर। साथ ही साथ मैंने ये तस्बीह और सूरह मरियम रखी हुई है। सूरह मरियम हेल्प्स विद लेबर पेन्स एंड यू नो मेक इट प्रोसीजर ओवरऑल मच ईजियर। सूरह मरियम के फ़ायदे आप गूगल पे भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो मैंने फेस वॉश रखा हुआ है क्लीन एंड क्लियर का, ताकि ऑयल वगैरह फेस पर आए तो यू कैन जस्ट फ्रेशन अप योर सेल्फ। फिर ये जो है वो एक ब्यूटी बॉक्स टाइप रखा हुआ है मैंने अपने बैग के अंदर। इसके अंदर सारी मेरी पर्सनल हाइजीन की चीज़ें, मेकअप वगैरह हैं, जैसे रोल ऑन हो गए, वाइप्स हो गए टू रिमूव माय मेकअप। इसके अंदर छोटी छोटी चुटकियां हैं, पिन्स हैं, पोनीज हैं, क्लिप्स हैं, मिरर भी है। यहाँ पर माइकल कॉर्स का जो है वो रोल ऑन परफ्यूम है,
क्योंकि उस वक्त आपको मतलब कुछ भी पता नहीं चल रहा होता कि चीज़ें किधर हैं, तो इट्स बेटर टू हैव मेनी थिंग्स देन टू हैव नथिंग एट ऑल। फिर यहाँ पे एक कोम है, हेयर ब्रश और बॉडी लोशन भी है, हैंड क्रीम्स भी हैं, और मतलब देर कलेक्शन ऑफ थिंग्स दैट आई विल बी नीडिंग एट दैट टाइम। और यहाँ पे मैंने लिपस्टिक्स और आईलाइनर भी रखा हुआ है, जस्ट इन केस के समबडी इज़ कमिंग टू सी यू इन द हॉस्पिटल, सो यू शुड हैव दीज थिंग्स इन हैंडी। तो यहाँ पर जो भी आपके पर्सनल चीज़ें होती हैं आप उसके अंदर रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप इस तरह के बॉक्स में रख सकते हैं। तो सेटिंग इसकी मैंने कोई नहीं की, दे आर जस्ट देयर, नॉट ऑर्गेनाइज एट ऑल, बट एट लीस्ट द थिंग्स आर देयर एंड दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स। फिर इसके साइड में यहाँ पे पॉकेट है, और यहाँ पे थोड़े से मैंने इस्लामिक नामों के और दुआओं के कार्ड्स रखे हुए हैं। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ब्लोटिंग पेपर्स हैं। ये ब्लोटिंग पेपर्स आई गेस मैंने मिनीसो से लिए थे, और ये ऑयल अब्जॉर्ब करने के लिए, फेस ऑयल अब्जॉर्ब करने के लिए बेस्ट होते हैं। इन केस के अगर आपको फेस वॉश करने का टाइम नहीं मिलता तो यू कैन यू नो यूज़ दिस पेपर्स टू ब्लॉट ऑफ द ऑयल फ्रॉम योर फेस। तो ये जो चीज़ें हैं वो सारी मैंने ओवर द कोर्स ऑफ यू नो 4-5 ईयर्स कलेक्ट की हुई थी, तो आज जो है वो हॉस्पिटल बैग में यूज़ हो जाएंगी। दे वर नॉट मेंट फॉर स्पेसिफिकली हॉस्पिटल बैग्स, बट सम हाउ केम इन हैंडी। तो दिस वॉज द ओवरऑल लुक ऑफ माई हॉस्पिटल बैग। इसके अलावा पर्सनल फीमेल हाइजीन की चीज़ें होती हैं वो आप गूगल भी कर सकते हैं, आई एम नॉट शेयरिंग इट ऑन माई चैनल ओवर हेयर। सो दिस इज़ द पाकिस्तानी वर्जन ऑफ व्हाट आई विल बी कैरिंग इन माई हॉस्पिटल बैग। आई होप यू रियली लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो विच पार्ट यू लाइक द मोस्ट। अंटिल देन टेक केयर।